Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in coming to question number 2, exercise 5.2. So, in the adjoining figure, identify. आपके पास ये figure given है और जो आपको ये parts दिए हैं आपको ये identify करना है. Let's see इसमें क्या है. First part में आपके पास है the pair of corresponding angles. मतलब कि इस figure में जो corresponding angles हैं वो आपको बताने हैं. So, as you can see, A और B parallel lines है और ये line इसका transversal है जो इनको intersect कर रहा है. अब इसके अंदर corresponding angles कौन से होते हैं जो same positions पे होते हैं. जैसे कि ये मैंने यहाँ पे दो parallel lines draw कर ली and this is the transversal. अब जो same side पे, let's start with angle number 4. ये यहाँ पे है, मतलब इस parallel line के और ट्रांसवर्सल की इस साइड, पैरेलल लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल की इस साइड. सिमिलरली पैरेलल लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल की इस साइड कौन सा एंगल है? एंगल नंबर 8. तो मतलब 4 और 8 सेम पोजीशन पे है. सो ये हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो सबसे पहले हमें मिले एंगल 4 एंड एंगल 8. तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है. अब इसी तरह दूसरे देखते हैं. अब अगर मैं एंगल 1 देखूं, वो पैरेलल लाइन के ऊपर है और ट्रांसवर्सल की उस साइड पे है. सिमिलरली यहाँ पे पैरेलल लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल की इस साइड पे एंगल नंबर 5 है, विच मींस एंगल 1 और 5 सेम पोजीशन पे है. ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. सो एंगल 1 एंड एंगल 5. नाउ नेक्स्ट हमारे पास है एंगल 3 पे आ जाते हैं. तो एंगल नंबर 3 पैरेलल लाइन के नीचे है, ट्रांसवर्सल की इस साइड पे है. यहाँ पे पैरेलल लाइन के नीचे और ट्रांसवर्सल की इस साइड पे हमारे पास एंगल नंबर 7 है. सो मींस 3 और 7 कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. सो एंगल 3 एंड एंगल 7. ठीक है. नाउ लास्ट भी आया ऊपर जो हमारे पास बचे है वो है एंगल 2. एंगल 2 पैरेलल लाइन के नीचे है और ट्रांसवर्सल की इस साइड पे. बी में पैरेलल लाइन के नीचे और ट्रांसवर्सल की इस साइड पे एंगल नंबर 6 है. सो मींस एंगल 2 एंड एंगल 6 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो यहाँ पे जो हमें पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स थे वो हो गए 4 और 8, 1 और 5, 3 और 7 और 2 और 6. तो ये सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. कमिंग टू सेकेंड पार्ट में आपको बताना है द पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स. अब इसमें से ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? सबसे पहले इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल्स. अंदर वाले एंगल्स कौन कौन से हैं? 3, 2, 8, 5. ये सारे चारों इंटीरियर एंगल्स हैं. ऑल्टरनेट मतलब ऑपोजिट. जैसे 3, 5 ऑपोजिट डायरेक्शंस में है. सिमिलरली 8 और 2 मींस डायगोनल में जो है. सो एंगल 3 एंड एंगल 5 ऐसे करके है और एंगल 2 एंड एंगल 8 ये दोनों कौन से हो गए? ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स. देन थर्ड पार्ट है द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. सबसे पहले तो जो इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे होते हैं वो कौन से एंगल्स होते हैं? सप्लीमेंट्री, मींस उनका सम 180 डिग्री होता है. बट यहाँ पे हमें वो बस बताने हैं कि कौन से एंगल है. अगेन इसमें भी हमारे पास है इंटीरियर. इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल, विच आर 3, 2, 5, 8. अभी हमने देखा ये हमारे इंटीरियर एंगल है. अब हमें ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे देखना है. सो 3, 8 ये दोनों ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे हैं. सिमिलरली 2 और 5 ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे हैं. ठीक है. सो एंगल हो गए एंगल 3 एंड एंगल 8. सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 5. सो ये कौन से एंगल्स हैं? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. फाइन. नाउ लास्ट पार्ट वी हैव वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स. नाउ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हम एक्सरसाइज 5.1 से करते हो रहे. दे आर द मोस्ट सिंपल वन फॉर अस. सो इसमें हम देखेंगे यहाँ पे हमें पैरेलल लाइन का कुछ काम नहीं है बिकॉज उसपे इंटरसेक्टिंग लाइन वर्क करती है. हम जब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल देखते हैं तो हम इंटरसेक्टिंग लाइन्स देखते हैं. जैसे कि ए लाइन है उसपे ये ट्रांसवर्सल
इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे पैर ऑफ वर्टिकल एंगल्स कौन से हो गए, 4 and 2, 1 and 3। सिमिलरली ये एक लाइन है, ये इसका इंटरसेक्टिंग है, सो 8 और 6, 7 और 5, राइट। सो लेट्स राइट द एंगल्स, वी स्टार्ट विद एंगल 1, एंगल 1 का वर्टिकल ऑपोजिट एंगल 3, देन एंगल 2 का एंगल 4, सो एंगल 2 एंड एंगल 4, ठीक है। अब नीचे वाले पे आ जाते हैं, एंगल 5 का वर्टिकल ऑपोजिट एंगल 7 और एंगल 6 का वर्टिकल ऑपोजिट एंगल 8, एंगल 6 एंड एंगल 8, ठीक है। ये हो गया हमारे पास वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, फाइन। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन।